आए, बहुत इमोशनल हो गए राखी के लिए. कल रात को इनकी आंखों में आंसू आ गए थे, इन्होंने मेरे इंटरव्यू में बोला है, क्योंकि ये जेन्युइनली राखी को तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहते हैं कि राखी ने उनको सपोर्ट किया इस वीडियो के लिए. और भाई बहुत इमोशनल हो गया, रोने लगा इसकी वजह से. तो वेल डन. अभी भी रो रहे हो क्या? क्या हो गया? अभी भी रो रहा है, कल के बारे में सोच कर रो रहा था मैं. बट राखी, तुम्हें लगता है कि आदिल फिल्मों में भी हीरो बन सकता है? इंशाल्लाह आदिल बहुत सारे वीडियोस भी करेंगे और बड़े बड़े स्टारों के साथ में एक बहुत बड़ी फिल्म कर रहे हैं. वेल आदिल एंड राखी, फर्स्ट टाइम ही आपका सॉन्ग था आदिल, सो फ्रेंड्स एंड फैमिली का कैसा रिएक्शन था सॉन्ग देखकर? बहुत ही अच्छा रिएक्शन था और बहुत लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया इस काम के लिए. आई वुड लाइक टू, पूरा मैसूर ने इनको सपोर्ट किया. आई वुड लाइक टू थैंक मैसूर रॉक्स. आई वुड लाइक टू, पापा मुझे बोलने दे. नहीं पहले तुम ये क्या कर रहे थे बताओ जल्दी, क्यों कर रहे थे पापा? सो आई वुड लाइक टू थैंक राखी फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी इन दिस सॉन्ग. और मुझे बहुत प्यार मिल रहा है, जैसे राखी ने कहा इट्स ऑलमोस्ट 5 मिलियन टुडे एंड सिर्फ सेकंड डे 48 आवर्स हुए हैं मेरे गाने को आके एंड इट इज 5 मिलियन. आई होप 100 मिलियन मिले मुझे इस सॉन्ग. मैसूर रॉक्स, बैंगलोर रॉक्स. जी आपके घर की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? गुड. माई मेरे मॉम डैड सब ने ये वीडियो को बहुत पसंद किया और मेरे मॉम ने बहुत दुआएं दी राखी को. हाँ, पहली बार बहुत दुआएं मिली है एंड शी इज़ वेरी हैप्पी कि उनका बेटा जो है वो बहुत अच्छा अच्छा वीडियो किया, बॉलीवुड में आ गए और इनको बहुत ऑफर आ रहे हैं अच्छे अच्छे वीडियो. मैंने इनको बोला बहुत सिलेक्टेड काम करो, वो ना क्वांटिटी क्वालिटी काम करो. सो बिकॉज क्वालिटी काम करेंगे तो रणवीर, शाहरुख, सलमान जी, अक्षय, शाहिद जैसे बड़े हीरो बनेंगे. बहुत ही क्वालिटी वर्क करना है. जो गलतियाँ मैंने की है ये इनको मैं ज़िंदगी में कभी नहीं करने दूंगी. आप लोगों को क्या लगता है सॉन्ग अच्छा था? कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? Well, जिस तरीके से अभी आपने कहा कि अब तो लाइक सॉन्ग किया है, इसके बाद रियलिटी शोज में भी दिख सकते हैं फिर तो आदिल, अगर बिग बॉस में आने का मौका मिले. राखी ने तो हमेशा से बिग बॉस में धमाल ही किया है, अगर आपको भी आने का मौका मिले तो कंटेस्टेंट्स कितने? मेरा तो दिल अभी फिलहाल है कि मेरा भाई सिद्धार्थ वो बिग बॉस में जाए. पर एक चीज मैं बोलूं, अगर ये दोनों जाएंगे ना ये 100% दोनों जीतेंगे, क्योंकि मैंने अभी अपने इंटरव्यू में भी देखा कि ये लोग एक दूसरे प्यार तो करते हैं बट बहुत नोक झोंक भी करते हैं, एक दूसरे को मुंह पे सुना देते हैं दोनों बैठ के. ये उनको सुना देता है, मैडम इनको सुना देती है. तो माने दोनों के अंदर ये ऐसा नहीं है कि आई लव यू दिन भर बैठ के करते हैं, एक दूसरे की कमियां भी. शुगर फुगर नहीं है, खट्टा मिट्टा रिश्ता है हमारा. मुझे तो जेन्युइनली आज एक प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, बिग बॉस में अगर ये दोनों जाएंगे इतिहास बनाएंगे, क्योंकि ये लड़का मुंह पे राखी को इसकी गलतियां बोलते हैं एंड ये भी वही करती है. तो ये जो है यही रिक्वायर्ड होता है फायर अंगार के लिए बिग बॉस में. पुष्पा नहीं, फायर है फायर. और साथ में राखी और आदिल मोहब्बत भी वहां करेंगे, जैसे अब आदिल राखी को एक प्यारी से किसी भी देने वाले. आह मर गई. 100 रुपए वापस दे दो उसको. इस किसके तो 1000 है. अब तुम 2000 लाओ. तुम 2000 लाओ. बिग बॉस में ऐसी पप्पियां भी देखने को मिलेंगी. जप्पियां पप्पियां सब कुछ.